हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं फिल्मी बीट और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बिग बॉस 13 में वॉयलेंट हुए कंटेस्टेंट रश्मि देसाई की टूट गई है उंगली। बिग बॉस 13 में रोज नया ड्रामा देखने को मिल रहा है। इस हफ्ते भी बिग बॉस के दिए टास्क में काफी ड्रामा हुआ और लग्जरी टास्क में भी कंटेस्टेंट्स के बीच घमासान देखने को मिला। इस टास्क के दौरान असीम रियाज के हाथ में माइनर फ्रैक्चर आया है, तो वही एक्ट्रेस रश्मि देसाई की एक उंगली में भी हेयरलाइन फ्रैक्चर हो गया है। दरअसल रश्मि माहिरा के नाम का बीबी बनाकर उन्हें परेशान करती है। इस बात से नाराज शहनाज गिल रश्मि से वो बेबी छीनती है। इसी दौरान रश्मि के हाथ की उंगली मुड़ जाती है, जिससे कि उनकी उंगली में फ्रैक्चर हो गया है। हालांकि रश्मि के हाथ में फ्रैक्चर की बात शहनाज को नहीं भाई और उन्होंने पूछा कि अगर रश्मि को हाथ में चोट आई है तो वो काम कैसे कर रही है। इस बात से रश्मि को गुस्सा आ जाता है और वो माइक निकाल कर शो छोड़ने की बात कहती है। इसके अलावा लग्जरी बजट टास्क के दौरान पागलपंती और ज्यादा एग्रेसिव होने की वजह से टास्क को रद्द कर दिया गया और टास्क के दौरान विशाल आदित्य सिंह और माहिरा शर्मा के बीच भी काफी लड़ाई देखने को मिली। शेफाली जरीवाला और शहनाज गिल के बीच भी तगड़ी बहस हो गई। शहनाज ने शेफाली पर उन्हें धक्का मारने और थप्पड़ मारने का आरोप भी लगाया। वही शेफाली ने इन सभी इल्जामों को झूठा करार दिया है। ऐसे में साफ है कि बिग बॉस 13 का गेम पहले से ज्यादा उलझ गया है। अब आगे क्या होगा ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।